वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। नमस्कार, एसके ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को विज्ञान कक्षा 9 की कुमार मित्तल की बुक है और अध्याय आपके पास 10 गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल आप लोगों को हैशटैग आपके पास पार्ट जो है आपके पास फिफ्थ पार्ट आज अपलोड होने वाला है, आप बताने वाला हूँ। इसके पहले के जो पार्ट्स हैं आप लोग जरूर देखिएगा प्रीवियस वीडियो, क्योंकि आपको डिस्क्रिप्शन पर इसके वीडियो की लिंक अवेलेबल है। आप लोग वीडियो के पार्ट्स में क्लिक करेंगे आप लोगों को लिंक में आप लोग वीडियो ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए आपके पास टॉपिक है, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से कहना चाहूँगा, अगर आप लोगों ने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पहली बार देख रहे होंगे तो, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा जिससे आपको लेटेस्ट नोट से वीडियो आपके हमारे पर पहुँच जाएगी, तो आप उसका लाभ उठाए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे आपके पास टॉपिक लिखा हुआ है किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार। अब आपको यहाँ की कंपेरिजन में उस चंद्रमा पर भार बताना है कितना होगा, ठीक है, वो आपको कंफर्म करके बताना है, वही चीज़ आपको बताई जाएगी, आपको बताने हैं। अब देखिए यहाँ पे स्मार्ट बोर्ड नहीं है, इस वजह से आप लोगों को मैं लिख देता हूँ क्योंकि आप लोग नोट्स बनाने में आसानी नहीं होगी। अब मैं अगर बताऊँगा तो आपको सिर्फ ओरली हैंड सेंस बता दूँगा, थ्योरी आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। इस वजह से मैं पहले लिख देता हूँ फिर उसको बताता हूँ, फिर आप लोग को क्या उसके पॉइंट्स पर पॉइंट्स आपको क्लियर करवा देता हूँ, तो आप लोग ऐसे पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं ऐसे थ्योरी ना लिखूँ फिर आपको हिंट्स देता रहूँ तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो आप लोग अभी 8th से 9th में आए, इस वजह से आप लोगों को सारी चीज़ मिलनी चाहिए आपको, ठीक है। अगर स्मार्ट बोर्ड हो तो पहले से प्रिंटेड होगा, तो आप लोगों को बस क्या क्लिक करेंगे टक 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 कर देंगे, बस टक टक बताते रहेंगे, आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पे लिखना पड़ता है हमको, तो आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार, जो हमारे पास चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे चंद्रमा उस वस्तु को अपनी ओर क्या होती आकर्षित करती है, क्या अपनी ओर आकर्षित करता है। फिर लिखा चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा क्या होता है कम, जो पृथ्वी पर अगर यहाँ पर आपके पास यहाँ पर 6 kg है तो चंद्रमा पर आपके पास 1 kg ही होगा, बहुत कम होता है। इस कारण चंद्रमा वस्तुओं पर क्या कम आकर्षण बल लगाता है, मतलब क्या पृथ्वी बहुत जल्दी अपनी चिपास तरफ खींच लेती है, चंद्रमा अपनी तरफ बहुत देर में खींच पाती है, बहुत ही कम आकर्षण बल उस पर होता है। फिर लिखा माना कि चंद्रमा का द्रव्यमान, क्या हमने माना कि चंद्रमा का द्रव्यमान mm तथा त्रिज्या rm है, किसी वस्तु का द्रव्यमान हमने स्मॉल m तथा आपके पास चंद्रमा पर इसका भार क्या होता है डब्ल्यू एम, तो यहाँ पे आपके पास फार्मूला होता है तो क्या हो जाता है डब्ल्यू एम बराबर क्या होता है हमारे पास जी एम एम इंटू में स्मॉल एम बटे क्या हो जाएगा आर एम का स्क्वायर, ये हो गया। अब ये क्वेश्चन आपके पास फर्स्ट बन जाएगी, ठीक, तो आप लोग इतना नोट कीजिए। फिर इसके आगे आपको बताते हैं इसी का, जो चंद्रमा पर था मून पर अब बताएंगे आपको पृथ्वी की क्वेश्चन, सेम ये लिखेंगे बस यहाँ पे चंद्रमा लेके पृथ्वी कर देंगे, यहाँ पृथ्वी की त्रिज्या हो जाएगी, यहाँ पर पृथ्वी का द्रव्यमान और पृथ्वी का वेट आ जाएगा, तो आप लोग इसको नोट कीजिए, आपको 5 सेकेंड का टाइम दे रहे हैं, फिर आगे बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जल्दी से क्विक फास्ट। नोट कर चुके होंगे आप, आगे ऊपर वाली लाइन इरेज कर देंगे, आपको नीचे देखना भी लिखा रहेगा, इसी के अनुसार ही आपको करना है। बहुत आसान है, अब देखिए लिखेंगे क्या माना कि पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी मतलब होता है अर्थ एमई तथा त्रिज्या आरी है किसी वस्तु का द्रव्यमान एम है अगर तथा चंद्रमा पर भार जाए तो तथा पृथ्वी पर भार क्या हो जाएगा हमारे पास डब्लू ई है, हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगी डब्ल्यू ई बराबर हो जाएगा जी एम ई कैपिटल एम इंटू में स्मॉल एम बटे आर ई का स्क्वायर, ये क्वेश्चन हो जाएगा हमारे पास सेकेंड,
ठीक, तो ऐसे आपको कर लीजिए। अब नीचे वाली क्वेश्चन को हम थोड़ा सा इरेज कर देंगे आप लोगों को लिखने के लिए, यहाँ पे इसको हटा देंगे। अब यहाँ पे लिख लेंगे समीकरण एक में दो का क्या कर देंगे भाग देने पर, समीकरण एक में दो का भाग देने पर लिख लेंगे समीकरण एक में दो का भाग देने पर। अब समीकरण एक में दो का जी है हमारे पास, अब इसको हम यहाँ से हटा देंगे। अब समीकरण एक में दो का भाग करेंगे तो जो जाएगा डब्लू एम बटे डब्लू ई बराबर जी एम एम इंटू में स्मॉल एम बटे आर एम का स्क्वायर टोटल बटे आ जाएगा हमारे पास जी एम ई इंटू में एम बटे आर ई का स्क्वायर। देखिए जी से जी कैंसिल आउट हो जाएगा, एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा, अब जो चीज़ बच जाएगी हम उसको वहाँ पे लिख लेंगे। अब बचेगा हमारे पास यहाँ पे लिखेंगे डब्लू एम बटे डब्लू ई बराबर जो जाएगा कैपिटल एम स्मॉल एम बटे आ जाएगा आर एम का स्क्वायर बटे हो जाएगा कैपिटल एम ई बटे आर ई का। अब बटे बेटा ऊपर पहुंच जाएगा डब्लू एम बटे डब्लू ई बराबर एम एम इंटू में आ जाएगा आर ई का स्क्वायर बटे आ जाएगा एम ई इंटू में आर एम का स्क्वायर। जी आपके पास वैल्यू आ जाएगी निकल के आपके पास फाइनल, अभी इसमें फाइनल आ ही नहीं है, अब यहाँ पे थोड़ा सा और करेंगे। आप लोग पहले इतना नोट कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। जल्दी से नोट कर लीजिए क्विक फास्ट। अब देखिए यहाँ पे आप कुछ की पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं। अब जी हमारी जो एक क्वेश्चन है फाइनल आपके पास लिखी हुई है, आपके पास आप देख सकते हैं। अब इस पे हम क्या जी मान रखेंगे, क्या रखेंगे, आपको ये मान कांस्टेंट है याद होने चाहिए, आप लोग लिख सकते हैं, आप लोग यहाँ पे अलग से लिख लीजिएगा। पृथ्वी का द्रव्यमान आपको न्यूमेरिकल में जरूरत पड़ेगा, पृथ्वी का द्रव्यमान जो होता है एम ई बराबर 5.98 गुणा 10^24 किलोग्राम होता है, और चंद्रमा का द्रव्यमान एम एम बराबर 7.36 गुणा 10^22 किलोग्राम होता है, ठीक। और पृथ्वी की जो त्रिज्या होती है वो आर ई 6.37 गुणा 10^6 किलोमीटर लिख सकते हो, मीटर आपको मात्रक से मतलब अभी यहाँ पे कोई वो क्योंकि सारे कट जाएंगे। फिर चंद्रमा की त्रिज्या आर एम 1.74 गुणा 10^6 होता है हमारे पास, यहाँ पे स्क्वायर नहीं मीटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा ये सारे मान रखेंगे कहाँ, यहाँ पर मान पर डब्ल्यू एम बटे डब्ल्यू ई बराबर एम एम का मान क्या दिया हुआ 7.36 गुणा 10^22 गुणा आर ई का मान दिया 6.37 गुणा 10^6 का स्क्वायर बटे, अब एम ई का मान दे दिया है 5.98 गुणा 10^24 गुणे और आर एम का मान दे दिया है 1.74 गुणा 10^6 का स्क्वायर। अब आप लोग इसको हल करेंगे, हल करने के बाद स्क्वायर खोलेंगे पावर काटेंगे तो इसका मान आ जाएगा हमारे पास 1/6। आप लोग इसको सोल्व करेंगे, अब आप लोग इसको भाग कर सकते हैं, गुणा कीजिएगा फिर इसके बाद इसकी वैल्यू को हटाइएगा, ठीक है। चाहो तो देखो हम पावर से पावर काट देते हैं, आपको देखो दशमलव हट जाएंगे जब बचेंगे 736 बटे 598, 24 ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे 10^22 24 में से 22 कम कर देंगे माइनस के 2 बच जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे हमारे पास हो जाएंगे 6.37 गुणा 6.37 और 10^3 क्या हो जाएंगे जी 12 बटे 1.74 गुणा 1.74 गुणा 10^12 12 से 12 कट जाएंगे। अब सारी वैल्यू हटा देंगे यहाँ से, थोड़ा सा आएगा 1/6 ही, आप लोग को बता देते हैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके क्योंकि आप लोगों को आसानी रहेगी। यह जाएगा डब्ल्यू एम बटे डब्ल्यू ई
बराबर हो जाएगा, सब दशमलव हटा देंगे, 736 गुणा 637 गुणा 637 बटिया जाएंगे 598 गुणा 174 गुणा 174 और जो गुणा 10^11 माइनस 2 बच जाएगी। देखिए क्योंकि दो अंक पे दशमलव ऊपर नीचे सब पे समान दिया हुआ, हटा दिया। अब इसको आप लोग गुणा कर सकते हैं, गुणा कीजिएगा, गुणा करने के बाद आपके आंसर जाएगा 1/6। 1/6 का मतलब हो जाएगा WM बराबर हो जाएगा क्या, WE/6। मतलब जो होता है पृथ्वी का जो द्रव्यमान होता है कोई वस्तु, पृथ्वी की वस्तु का जो भार होता है वो चंद्रमा पर क्या होता है 1/6 होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक, ये हो गया आपके पास फार्मूला, प्रूवमेंट हो गई आपके पास, आप लोग इतना नोट कीजिए। फिर इसके आगे आपके पास दो लाइन लिखना है, हिंदी में भी आपको लिखा देते हैं, आप वो भी लिख सकते हैं, तो जल्दी से नोट कर लीजिए क्विक फास्ट स्पीड में। फिर आगे बढ़ते हैं, नोट कर चुके होंगे आप लोग, अब इसके आगे लिखेंगे। लिखेंगे वस्तु का चंद्रमा पर भार बटे वस्तु का पृथ्वी पर भार क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाता है। आप लोग ऐसे इसको भी याद रख सकते हैं, हो गया। अब यहाँ पे एक दूसरा भी हो सकता है क्या, वस्तु का भार, वस्तु का चंद्रमा पर भार बराबर 1/6 वस्तु का पृथ्वी पर भार, ये भी हो सकता है आपके पास। ठीक, आप यहाँ लिख सकते हैं अतः लिख सकते हैं वस्तु का चंद्रमा पर भार, अतः वस्तु का चंद्रमा पर भार बराबर 1/6 वस्तु का पृथ्वी पर भार होता है। आप लोग ये भी लाइन लिख सकते हैं, तो ये आपका डिविजन कंप्लीट हो गया। आप लोग इसको नोट कर लीजिए बहुत आसान भाषा में, फिर आपको इसके आगे बताते हैं आपके पास बहुत अच्छा और सिंपल तरीके से, जल्दी से नोट कीजिए क्विक फास्ट स्पीड में। ठीक है, तो ये आपके पास समझ पाए आप लोग चंद्रमा पर भार क्या होता है, आप लोग समझ चुके होंगे। तो आज के लिए आपके पास यही रहेगा, एक ही टॉपिक आप लोग पढ़ेंगे, इसके आगे आप लोगों को आगे पढ़ाया जाएगा जो आपके पास टॉपिक होगा बुक के अकॉर्डिंग। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, तो कल आपसे फिर मुलाकात होगी आपके पास नए जोश नए जज्बे नई एनर्जी के साथ में। तो आप लोग क्या आज जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो आपके वहाँ पर पहुँच जाएगा। कल फिर मिलेंगे, नमस्कार, बाय बाय, टाटा।